अपना शहर अपनी बातें अपना शहर अपनी बातें सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कहीं पे चोरी कहीं पे डाका ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका पटा पटाका पटा पटाका खबर दर खबर पहुँचे आपके घर देखे न्यूज ये पूरा शहर News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कोणार्क अपना शहर अपनी बात नमस्ते कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पैंजे शहर ए पैंजो गालियों में मां भावना राजपाल तमा सबनी दर्शकन जो हार्दिक स्वागत कया थी पेश आहे कुछ ताज़ा तरीन जान असांजे अज जे सिंधी एपिसोड जी कोणार्क अपना शहर अपनी बातें बदलापुर पुलिस ब्रांच वारन एक दल ठाया आहे जंहिंजो मुख्य कम आहे नशेदार शयूं जेके विकणनि था जीअं त चरस गांजो ऐं ॿियूं नशेदार शयूं उन्हनि ते नज़र रखणु ऐं उन्हनि खे पकड़णु ऐं इन्हनि में उन्हनि खे कामयाबी मिली आहे हुननि 200 खां 250 किलो गांजो पकड़ियो आहे अचो त ॿुधूं था बदलापुर पुलिस जे मुख्य अधिकारीअ खां इन बारे में पूर्व प्रादेशिक विभागात अमली पदार्थ विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आम्ही एक सुसज्ज पथक निर्माण केलेलं आहे आणि त्या पथकाला कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर अंबरनाथ बदलापूर कुळगाव या भागामध्ये जे मादक द्रव्याची तस्करी करणे किंवा मादक द्रव्याची विक्री करणे या संदर्भात त्यांना पूर्णपणे सूचना दिलेल्या आहेत आणि हे पथक अप्पर पोलीस आयुक्त पूर्व प्रादेशिक विभाग ठाणे याच्या अखत्यारीत काम करत आहे काल या पथकाला एक माहिती मिळाली होती खात्रीशीर माहिती की गांधीनगर बदलापूर पश्चिम येथे नरेश आयरे नावाचा एक व्यक्ती गांजा विकतो आहे त्या ठिकाणी या पथकाने रेड केली त्यावेळेस तिथून 30,000 किमतीचा 2 किलो गांजा जप्त करण्यात आला आणि ज्यावेळेस नरेश आयरेची ज्यावेळेस चौकशी करण्यात आली त्यावेळेस त्याने सांगितलं की एक डोके दापिवली या ठिकाणी एक फार्म हाऊस आहे आणि त्या फार्म हाऊसवरून हे गांजा विकला जातो त्याप्रमाणे ह्या टीमने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बरोबर जाऊन त्या ठिकाणी रेड केली आणि त्या ठिकाणी 203 किलो 600 ग्रॅम गांजा मिळाला तसेच त्या ठिकाणी 2-2 किलोचे पॅकेट्स ते करून ते गाडीमधून डिस्ट्रीब्यूट करत असतात आणि त्या ठिकाणी 2 गाड्यासुद्धा आम्हाला मिळाल्या एक इनोवा आणि एक क्रिएटा अशा प्रकारे 203 किलो 600 ग्रॅम गांजा आणि ह्या 2 गाड्या पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत जवळपास 68,70,000 रुपयाचा माल आणि मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे याच्यामध्ये 4 आरोपी अटक केले आहेत नरेश आयरे अटक केलेला आहे सन्नी परदेशी अमोल कांडगाव असे 4 आरोपी आम्ही अटक केले आहेत आणि एक राजाराम कडू हा आरोपी फरारी आहे राजाराम कडू या आरोपीवर पूर्वीसुद्धा 21 NDPS ॲक्टप्रमाणे अंबरनाथ पोलीस स्टेशनमध्ये 2 गुन्हे दाखल केलेले आहेत या सर्वांविरुद्ध बदलापूर पश्चिम पोलीस स्टेशनमध्ये 21 NDPS ॲक्ट 8 क रीड विथ 21 NDPS ॲक्ट याप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे 2 गाड्या जप्त केलेल्या आहेत 203 किलो 600 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आलेला आहे हा गांजा कुठून येत होता त्याचा संदर्भातसुद्धा पुढील चौकशी चालू आहे कोणार्क अपना शहर अपनी बातें उल्हासनगर चौथे जे संभाजी चौक ते एक नाबालिग छोकरी सां छेड़छाड़ कंदे विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन वारन एक शख्स के गिरफ्तार कयो आहे सचपच इहो सारा जोगो कम आहे
उल्लासा का कैंप क्रमांक 4 के संभाजी चौक परिसर में एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति को जो है लोगों ने खूब पीटा, और इसके बाद उल्लासा का कैंप क्रमांक 4 की पुलिस स्टेशन पे जो है इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद जो है पुलिस ने मौका घटने पर पहुँच कर जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल जिस प्रकार से आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ भी अश्लील हरकतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो बहरहाल इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं को जो है रोकने के लिए हम नागरिकों से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग जो है एकजुट हो, क्योंकि इस प्रकार की हरकतें कहीं भी आपको अगर दिखाई देती है या फिर बच्चियों के साथ या फिर शहर की किसी भी महिला के साथ या फिर युवतियों के साथ ऐसी हरकत होती है तो उसका जो है विरोध करें और खुल के सामने आए, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार की ईव टीजिंग के मैटर में रास्ते पर चलते हुए लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता महिला को, युवती को या फिर बच्चियों को नहीं मिल पाती। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गणेश कांबले नाले एक 40 साल जो शख्स KEM हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उन बैंक में 27,000 रुपया जमा हुआ। उन घरवारा बैंक में उन सही कल चेक खड़ी वही पैसा कढ़ण लाइ 15 का कोशिश करे रहा हुआ, पर बैंक वारन उनके पैसा न दिना ए गणेश कांबले जो मौत थी वो, जैसे कर रिश्तेदार हाँ बैंक के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। हम लोग 15 से बैंक में चक्कर मार रहे हैं, तो बैंक वाला बोला भाई वो आदमी का सिग्नेचर लगेगा तभी बैंक पैसा देगा। कुछ तो रास्ता है ना बैंक में, कुछ तो रास्ता है ना कि अंगूठा लेगा, कुछ तो रास्ता तुम निकाल सकते हैं ना। बैंक का मैनेजर बोलता कोई रास्ता ही नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक उल्लासनगर सांगितलं हे मॅडम पशी तुम्ही जाओ आणि का तिथं सैन घ्या सांगितलं। 4 नंबर ओटी इथे गणेश पांडुरंग कांबळे 40 वर्षाचा युवक आहे, तो त्याने 15 दिवसापासून आजारी आहे। त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी त्याचे स्वतःचे पैसे पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये 25,000 आहेत, ते मागण्यासाठी तो KEM वगैरे ॲडमिट असल्यामुळं त्याची मागण्यासाठी गेले 15-20 दिवसापासून त्याचे वडील आणि वडिलांना प्रतिसाद देत नाही म्हणून आमचे काय कार्यकर्ते बँकेत जाऊन वारंवार त्यांना विनवण्या केल्या। एक यादव म्हणून कोण अधिकारी आहेत त्यांचं म्हणणं आहे ते चार्टर्ड अकाउंट आहे, त्यांना नियम माहीत नाही त्यांच्या नियमाच्या ह्याच्यामुळं किंवा कशामुळं, कारण पैसे वेळेवर न मिळाल्यामुळं तो मुलाचा आज काल रात्री त्याची डेथ झालेली एक्सपायर झाल्या, आणि त्यामुळं त्याचे नातेवाईक आणि सर्वांनी ती बॉडी पंजाब नॅशनल जी बँक आहे 4 ओटीला त्या बँकेच्या बाहेर ठेवलेली, आणि त्यांचा आक्रोश आणि रोष त्या मॅनेजरशी त्यांनी जाऊन सांगितलेलं की तुमच्यामुळं आमचा हा मुलगा गेलेला आहे, तुम्ही जे पैसे त्याला वेळ दिले असते ते कदाचित त्याचा जीव वाचला असता, आणि तो रोष झाल्यानंतर आम्हाला या ठिकाणी आता इथरडी पोलिसचे सिनियर पी आहे शिक्षक साहेब यांच्याकडे आम्ही आलो, त्यांना सांगितलं की यांच्या निष्काळजीपणामुळं हा मुलाचा तरुणाचा मृत्यू झालेला आहे, त्यामुळे बँक त्याला जबाबदार आहे, आणि आम्ही तसं त्या प्रकारची त्या शिक्षक साहेबांच्याकडे तक्रार देतो आणि बँकेकडं त्याबाबत त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे जिल्हे जावे म्हणून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई मागणार आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर पंजे में ड्रेनेज जी तकलीफ आहे, जैसे करे नाला भरजी वजन था, उते आसपास रहंदड़ मानन के ऐं उतां इंदर वेंदर मानन के तकलीफन जो सामनो करणो पवे थो। पेश आहे इन बारे में एक रिपोर्ट। हमारे शहर में जिस प्रकार से ये देखने को मिलता है कि शहर में एक जगह विकास की बात की जाती है, वहीं यदि नज़रिया डालेंगे तो शहर के ग्राउंड लेवल में यानी कि जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही देखने को मिलती है। वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है कि शहर में कई दिक्कतें हैं जिसका जो है अब तक किसी भी प्रकार का निवारण नहीं किया गया है। शहर में यदि ड्रेनेज की यदि बात करेंगे तो कई इलाकों में हमने आपको लगातार बताया है कि किस प्रकार से ड्रेनेज का पानी जो है रास्ते में जमा हो जाता है, जिसके वजह से आसपास के परिसर में काफ़ी गंदगी हो जाती है, इसके साथ ही साथ इसकी बदबू से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते हैं। और ऐसे में यदि बात करेंगे तो कई बीमारियां भी जो है हमारे शहर में इसी ड्रेनेज के पानी के वजह से जो कि जमा हो जाता है उसके वजह से होती है। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में भी जो है ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले कई सालों से यहाँ के नागरिकों का कहना है कि ड्रेनेज का पानी यहाँ पर पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोशिश नहीं की जाती कि इस ड्रेनेज को जो है जो साफ़ किया जाए और फिर से जो है इसकी परिस्थिति सुधारी जाए। बहरहाल काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के नागरिकों को करना पड़ा है, कई बार नगर सेवा से शिकायत करने के बाद भी इनकी समस्याओं को अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। अब देखना ये होगा कि शहर में जिस प्रकार से कई इलाकों में, कई पैनल में, कई वार्ड में जो कि ड्रेनेज की समस्या देखने को मिलती है वो आखिरकार कब पूरी होगी।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। पैनल नंबर 16 में रस्तन ए गलियन के ठहण जो भूमि पूजन किया वो। ही भूमि पूजन थो नगर के उप महापौर जीवन इदनानी के हथा। आज हमारे पैनल नंबर 16 में रोड का उद्घाटन किया जीवन इंद्रणी साहब ने किया, हमारे उप महापौर ने, जो हमारा 5 साल से काम हमारा रुका पड़ा था रोड का, उस जीवन भाई के मदद से काम आज चालू हुआ है, मुहूर्त हुआ है, वो काम चालू होएगा भी। 16 नंबर पैनल में बहुत टाइम से 5 साल से काम रुका पड़ा था गिल्लियों का, रोड का, वो सब आज जीवन इंद्रणी उसके वजह से काम चालू हुआ और आज हम लोग ने मुहूर्त किया। जो रमेश चेनाणी भेण ज्योति चेनाणी तरफा ये मुहूर्त थो, असा चाहूँ ये मुहूर्त हर महीने थन्दा रहन, जो अस 5 साल अगु डिठो वो 5 साल हाँ बेहर असा देखो पवन, जो ज्योति चेनाणी अस पेरों कम कर दिखार ती हाँ वही बेहर कम कर दिखारी। हाँ इन साल रमेश चेनाणी खटी आया तदें असं गिटी ठहन थी, अस जाम शुक्र गुजार हूँ रमेश चेनाणी जहाँ जो असो गिटी वरी ठहन था। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। जनता जनार्दन परिषद वक्त बवक्त सामाजिक कार्य कंदी रहंदी आहे। हींअर बि वेझराईअ में सूरदासनि खे कुझु आर्थिक मदद ऐं ज़रूरत जो सामान भेट ॾिनो वियो। सदगुरु स्वामी शांतिप्रकाश महाराज, आदरणीय स्वामी देवप्रकाश महाराज, दादा जेपी वासवानी, इन संतों की असीम अनुकंपा से प्रति मास सूरदासों की सेवा की जाती है। एक एक सूरदास को 200 आर्थिक सहायता, चावल, दाल, शक्कर, शरबत आदि दिए जाते हैं, परंतु आज विशेषकर संतों की कृपा से एक एक सूरदास को 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं और सूरदास बहुत प्रसन्न होते हैं 500 का नोट लेके। ये सब कार्य प्रभु के कृपा से हो रहा है और होता रहेगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के पारा उल्लासनगर पैरें के बस स्टॉप ते छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले ए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी गडियल जयंती जो एक कार्यक्रम रखो वो, जिते इन पार्टी जा मुख्य अधिकारी मौजूद हुआ। उल्लासनगर में हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी और विविध संगठनों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज, क्रांतिबा ज्योतिराव फुले और विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती का प्रोग्राम यहाँ पर बनाया। मैं उल्लासनगर के तमाम जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ इस शिवाजी फुले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती उत्सव में। उल्लासनगर की सभी प्रकार की जनता अपने भेदभाव को भूलकर सम्मिलित हुई और एकता का जो दर्शन दिखाया, इसलिए मैं उल्लासनगर के सभी जनता को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और सच बात तो यह है कि देश में आज जो कुछ भी चल रहा है वो देश को बर्बादी के तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से देश की सरकार हो, देश का प्रधानमंत्री हो या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, इन्होंने जनता से वादा खिलाफी के सिवा दूसरा कुछ नहीं किया। जो घोषणाएं उन्होंने की थी, जो अभिवचन लोगों को दिया था, उसमें का एक भी अभिवचन, एक भी घोषणा पत्र में जो वादा किया था, एक भी वादा महाराष्ट्र की सरकार, देश की सरकार पूरा नहीं कर सकी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।
उल्हासनगर चैप्टर ऑफ सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ए ऊर्जा फाउंडेशन जी गडियल कोशिशन सा लगातार शहन सालन खां नगर में सिंधु मेला वर्सो नविसार एक वर्कशॉप जो आयोजन कयो वेंदो आहे जेको हन साल 22 अप्रैल खां शुरू आहे। इन बारे में वधिक जान ॾेई रहिया आहिनि सिंधियत जा शीदाई महेश सुखरामाणी। जय झूलेलाल। उल्हासनगर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया चैप्टर ऊर्जा फाउंडेशन हर साल जी तरह इन साल भी असां पंहिंजे सिंधी ॿारनि नौजवान ॿारनि जे लाइ हिकु वर्कशॉप आणी कंदा आहियूं हर वेकेशन में सिंधु मेला वर्सो न विसार, जंहिंमें असां नंढड़नि ॿारनि खे 5 साल खां 15 साल जे ॿारनि खे असां पंहिंजी सिंधियत में असांजी सिंधी भाषा देवनागरी लिपि उन जा अखर सिंधी त्योहार असांजा ॾिण वार सिंधी बहिराणो असां छो कढंदा आहियूं झूलेलाल जो बहिराणो कीअं कढिबो आहे बहिराणो कीअं ठाहिबो आहे सिंधी फोक डांस सिंधी नाटकनि जी ट्रेनिंग सिंधी असांजा छेॼ ऐं सिंधियत जी असांजा जेके बि हिस्ट्री आहिनि सिंधियत जी कंहिं कंहिं असांजे देश लाइ बलिदान कयो असांजे महापुरुषनि जी हिस्ट्री असांजे संतनि जी हिस्ट्री असां पंहिंजे ॿारनि खे इहे सॼी जानकारी ॾींदा आहियूं। 15 ॾींहनि जी असां इहो वर्कशॉप हर साल थींदो आहे। हिन साल असां 23 अप्रैल खां चालू था कयूं जंहिंजी ग्रांड फिनाले 8 मई ते टाउन हॉल में थींदी जंहिंजी असां 2 सेंटर रखिया आहिनि उल्हासनगर में हिकु 4 नंबर नेताजी हाई स्कूल में हंसमुनी कॉलेज में ॿियो 2 नंबर खेमाणी ते SES 1 स्कूल में जंहिं ॿार खे बि एडमिशन उते वठिणी आहे पंहिंजो नालो लिखाए हिन चैनल जे माध्यम सां असां तव्हांखे जंहिंसां बि कॉन्टेक्ट करिणो आहे उन्हनि जा नंबर असां हेठि ॾिना आहिनि जीअं त राकेश कारा जीतू वजीराणी वजीराणी टेकू मंगताणी ऐं सिंधी काउंसिल जे कंहिं पदाधिकारी खे बि चई करे तव्हां पंहिंजी एडमिशन उते वठी सघो था। इहो मुंहिंजे शहरवासियुनि सिंधी भाउरनि खे अपील आहे त पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजो वर्सो असां जीअं पंहिंजी मिल्कियत ॾींदा आहियूं पंहिंजी वसियत ॾींदा आहियूं पंहिंजा फ्लैट मकान दुकान बैंक बैलेंस ॾींदा आहियूं उन हिसाब सां ई इहो पंहिंजो समाज पंहिंजे जातीअ जो पंहिंजी संस्कृति ऐं पंहिंजी सिंधियत जो वर्सो पंहिंजे ॿारनि खे मोकिले करे उहो ॾियनि उनखे ॾियाराइनि त असांजी सिंधियत बि क़ाइमु रहंदी सिंधी ॿोली बि क़ाइमु रहंदी सिंधियत वधंदी। इहा मुंहिंजी सभिनी खे वेनती आहे। जय झूलेलाल। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 8 सालनि जी कश्मीरी बालिका आसिफा खे इंसाफ ॾियारण जे लाइ सॼे भारत सां गॾोगॾु उल्हासनगर में बि कैंडल मार्च जो आयोजन कयो वियो ऐं ॾोहारियुनि खे सख़्त में सख़्तु सज़ा ॾियण जी घुर कई वई। इन जे लाइ सम्राट अशोकनगर खां उल्हास स्टेशन ताईं हिकु रैली बि कढी वई। सम्राट अशोकनगर से उल्हासनगर रेलवे स्टेशन तक आसिफा के इंसाफ के लिए यानी कि उन्हें जस्टिस जिस प्रकार से जो है मिले उसका जो है मांग करते हुए टीम ओमी कलानी के सभी पदाधिकारियों द्वारा जो है एक रैली का आयोजन किया गया और ये मांगे की गई कि जल्द से जल्द जो है आसिफा को इंसाफ मिले और जो उनके गुनहगार हैं उन्हें जो है जल्द से जल्द सजा मिले। ऐसे शहर भर में देखा जाए तो किस प्रकार से जो है आसिफा के इंसाफ के लिए जो कि एक लहर चल रही है उसी का जो है नज़ारा उल्हासनगर कैंप क्रमांक 3 के सम्राट अशोकनगर से उल्हासनगर कैंप क्रमांक 3 के रेलवे स्टेशन परिसर देखने को मिला और यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है आसिफा को इंसाफ मिल पाए। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अच्छा तो विजू था एक नजर नगर में थींदड़ कुछ आपराधिक घटनाओं से। उल्हासनगर 5 वसंत शाह दरबार परिसर में मितेश नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।
आपसी दुश्मनी के चलते संबंधित व्यक्ति के साथ सुनील वजीरानी, दीपू वजीरानी और अशोक बजाज नामक व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 326, 323 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5 कैलाश कॉलोनी परिसर से कुमार भोपी नामक व्यक्ति की बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MH05DR0139। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 5 वसंत शाह दरबार परिसर में सुनील वजीरानी नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। संबंधित व्यक्ति के साथ बबलू चौहान और उनके कुछ साथीदारियों द्वारा मारपीट की गई है। पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 387, 323, 506, 452 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ही हुई कुछ ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुझु नई ऐं ताज़ा तरीन ॼाण सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा, धन्यवादु।